पुलिस आपकी सेवा के लिए हर समय हाजिर है और जम्मू कश्मीर पुलिस वो करती भी है, लेकिन तब क्या हो जाए जब आप जम्मू कश्मीर पुलिस आपको रोके और जब आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करो और उसके बाद आपको मारने की कोशिश किए जाए या गाली गलौज किए जाए। ठीक ऐसा मामला ही कुछ दिन पहले देखने को मिला जहाँ पे ये एक व्यक्ति, इनका नाम है अमित, इनके साथ इनका कहना है कि SHO द्वारा गाली गलौज की गई और इनको मारने की कोशिश की गई SHO द्वारा। आखिरकार पूरा वाक्य क्या है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अमित, उस दिन क्या हुआ था? सर, बख्शी नगर ये जो नाका यहाँ पे लगता है पवन आइसक्रीम के पास, तो मैं और मेरी फ्रेंड है जी। तो हम आ रहे थे, हमारे पास दो हेलमेट थी, एक फीमेल और एक मेल जी। फीमेल वाली मैंने डाली थी, तो एक्चुअली उसमें क्या कि वो थोड़ी हैवी नहीं होती है और वो नीचे से खुली होती है, तो अभी गर्मी है तो मैं डालता हूँ तो मास्क वास्क भी डालता हूँ। तो मैंने मेल वाली उनको पकड़ा के रखी थी, वो कह रही थी मुझे फिट नहीं आ रही है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करो रख लो, कोई अगर पुलिस वाले दिखेंगे तो डाल लेना, कोई इशू नहीं है। अंधेरा पड़ने वाला, 7-7:30 बजे की बात थी, तो बस इतने में हम लोग नीचे आ रहे थे तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पुलिस वालों ने पकड़ा तो बोलते कि पहले तो चाबी निकाल ली हमारी, कोई बात नहीं हमसे कि चाबी निकाली पहले। तो मैंने कहा सर आप चाबी क्यों निकाल रहे हो, हम इधर ही खड़े हैं कहीं नहीं जा रहे। कह रहे आपके पास डॉक्यूमेंट है कोई? मैंने कहा सर लाइसेंस पूछते। मैंने कहा सर लर्नर लाइसेंस मेरे पास है, तो मैंने फ़ोन में दिखा दिया, फ़ोन में लर्नर लाइसेंस दिखाया, तो कह रहे आपके पास और कोई डॉक्यूमेंट है नहीं? मैंने कहा सर मेरे पास RC भी है, बट आपको फोटो दिखाता हूँ, अब बट अभी शायद इसमें नहीं हो क्योंकि भाई की बाइक है, मैं जोमेटो में काम करता हूँ कभी कभी, तो हम पास रखते नहीं है क्योंकि आजकल लोग तो क्या पता कोई हमारे पास कोई सबूत है तो कोई फाड़ के फेंक दे, क्योंकि हम कोई 24 घंटे रिकॉर्डिंग तो कर नहीं रहे होते कैमरा में। तो सर बस इतनी सी बात हुई, उन्होंने कहा कि गाड़ी सीज होगी, वो सीज पे अटके हुए थे, तो उन्होंने बोला कि चाबी लेके पार चले गए, तो मेरे को बोलते कि पार आ जाओ उधर चलान लाने या सीज हो जाएगी गाड़ी, चलान नहीं वो सीज पे ही बोल रहे थे कि सीज ही करनी है। मैंने कहा सर मैं भाई को बुला लेता हूँ, आप वेट कर लो थोड़ा। कह रहे तो ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने 5 मिनट भी वेट नहीं किया, 10 मिनट वेट भी नहीं किया होगा, तो मैंने फ्रेंड को बोला, फिर भाई तो ऑटो चलाता तो वो था नहीं घर पे, तो मैंने फ्रेंड को बोला आप उसको घर से सर बख्शी नगर से भगवती नगर वो रहता है वो पूरे नगर लास्ट में यात्री निवास वाली साइड, वो आएगा उसको टाइम तो लगता थोड़ा सा, तो वो लेके आ ही रहा था, उसको मैंने घर भेजा, वो पहले ढूंढेगा कहाँ रखी है तो टाइम लगता था। उन्होंने वेट किया नहीं एक, तो फिर जब मेरी फ्रेंड भी मेरे पास आई तो उसने सिर्फ इतना बोला कि सर आप बुरा नहीं मानना, चाबी निकालना आपकी बनती नहीं है, ये कोई राइट नहीं होता। हाँ, तो सर बस इतनी सी बात पे वो मेरे से तो बदतमीजी तू करके बात कर रहे थे, एक तो बात करने का तरीका नहीं था पुलिस वालों को, तो सर उसको भी फिर बोलते कि तू मुझे मत सिखा, ठीक है अपने घर वालों को फोन कर, ये लड़के घर वालों को बुलाओ, दोनों घर वालों को बुलाओ। घर वालों को क्यों बुलाने को? पता नहीं सर, मैंने कहा सर वही लड़की को देखो अगर साथ में लड़के के साथ, तो बस उनको हरास करते हैं और कुछ नहीं, इनके पास काम ढंग का काम इनके पास कोई है नहीं, तो बात इनको करने का तरीका है नहीं, बस इतनी सी बात हुई सर। ये इन्होंने हमारे पर बस इतना सा लगाया कि हमने बदतमीजी ये किया कि हम ये बोल रहे थे कि सर चाबी निकालना आपका बनता नहीं था, क्योंकि हम कोई भाग थोड़ी थे ना, हम कोई चोर हैं। तो बस उसके बाद मेरी सर तलाशी लेने लगे, कहते तेरे को लफड़ पड़ेंगे, हमें मत सिखा, ये मत कर, वो मत कर जी। तो बस इतनी सी बात हुई सर, वेट किया नहीं तो गाड़ी लेके हमारी चले गए। तो उसके बाद हमने थोड़ी सी वीडियो लास्ट में बनाई है, पहले हमने कोई वीडियो नहीं बना रहे थे, उसके बाद लास्ट में हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, वो भी मैंने पोस्ट की थी उस दिन शाम को। फिर वीडियो है अभी आपके पास? हाँ वो भी वीडियो है जी। वो मैंने फेसबुक पे से पोस्ट की हुई है, अमित व्हाइट एंजल्स क्रू से मेरा अभी, होगी, अभी वो भी वीडियो है। तब वो हमारी बाइक लेके जा रहे थे ना, उन्होंने हमें कोई फटका दिया कि मैं जाके कोर्ट में क्या दूंगा कि मेरी बाइक छोड़ो जी। वो भी हमें उसने कुछ नहीं दिया, वो लेके चले गए बाइक, उन्होंने सीज कर दी। फिर मेरा फ्रेंड 2 मिनट बाद तो वो पहुंच गया था, फिर वो गया लेने बाइक, जब तो SHO साहब ने उसको बोला कि उसको पेश करो जिसकी बाइक है, जिसने बदतमीजी किया, नहीं तो तेरे को भी अंदर ठोक देंगे, उसको आधा घंटा बिठा के रखा। उसको भी धमकी थी? हाँ, RC लेके आया था वो, ठीक है उसको भी धमकी थी। तो उसी दिन की बात है जिस दिन वो केरला स्टोरी वाला सिस्टम जो हुआ है जो GMC में, वो लड़के सारे कश्मीरी लड़के भी उस टाइम बाहर थे, तो उसने कहा कि तू मत जा मैं जाता हूँ। वो गया तो उसके साथ बदतमीजी की, तो मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जो उसके बाद मैंने शाम को बनाई थी। तो ये वाक्य आपके साथ पूरा हुआ जी? ये हुआ है, और ये कोई इनका तरीका नहीं है सर बात करने का पुलिस वालों को, हमेशा बदतमीजी करते हैं सर, जितने भी आज तक मेरा जिनके साथ भी मेरा आमना सामना हुआ। देखिए सर ये बाइक लेके जा रहे हैं, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, ये मेरी फ्रेंड ने वीडियो बनाई हुई है। हमारी इन्होंने पहले बाइक ले ली है और ऊपर से हमसे बदतमीजी की है इन लोगों ने, और ऊपर से आगे कह रहे हैं कि आप हमारे साथ यहाँ पे पंगे कर रहे हो। चलान तो हम करवा लेंगे, वो हमें रूल्स हमें नहीं पता है। ओड़ी अंदर आ रहा है, हम चोर है। हर डॉक्यूमेंट अपनी वो दस आईडी का कौन है? आईडी के लाइसेंस लाइसेंस बताया आपने?
ये देखिए इनको डंडा दिखाएंगे अभी ये जो है वो एक्चुअली वो उसको होली के दिन की बात है। होली के दिन की ऐसे मैं रात को ही जोमेटो में करता हूँ, उस दिन मैं सुबह निकला क्योंकि कभी ऑफर होता है फेस्टिवल पे। तो मैं अपनी बाइक लेके जा रहा था यहाँ से पुलिस स्टेशन बाहर से, तो मैं जब भाई से फ़ोन की फ़ोन पे बात की तो उसने बताया नहीं, मैंने ज़बरदस्ती उस पर निकलवा लिया कि क्या हुआ है। तो कहता है कुछ नहीं हुआ, वो बाहर आ गया तब तक। तो मैंने पूछा क्या हुआ, कहता कि होटल PR जो है उसके पीछे वो गली है गीता मंदिर वाली, वहाँ मेरा भाई गया था किसी कोई सवारी को लेके, तो वहाँ पे उसकी गाड़ी हो गई थी ख़राब ऑटो, तो ऑटो ठीक कर रहा था। तो उसने मुझे बताया कि ऐसी बात हुई, ऑटो ठीक कर रहा था तो इतने में कोई गाड़ी वाला आता है, कोई अमेज गाड़ी है शायद पता नहीं कौन सी, तो वो हॉर्न करता है कि ऑटो साइड करो। तो भाई का ऑटो ख़राब था, वो धक्का लगा के बाइक वाइक हो तो बंदा साइड करता, ऑटो का वो गली भी बड़ी लंबी आगे तक थी, वो जगह थी ऑलरेडी वहाँ पे। तो भाई ने कहा कि सर जगह है आप निकाल लो गाड़ी, तो थोड़ा सा बस साइड पे ना वो रेत पड़ी हुई थी मिट्टी, तो वो कहता कि नहीं तू गाड़ी ही साइड कर अपनी तो मैं निकालूंगा, उसका घर होगा सामने। तो बस इतने में भाई ने बोला कि सर जगह है आप निकाल लो गाड़ी, तो नहीं मान रहा था। तो भाई ने ना क्या किया, स्कूटी लगी हुई थी अपोजिट उसके साइड, तो भाई ने स्कूटी थोड़ी और साइड कर दी तो जगह बना दी, फिर वो निकालने लगा। तो निकालते निकालते भाई को बोला, तेरे से गुस्से में बोला उसने, तेरा स्कूटी साइड होंगी। तो भाई बोलता सर गाड़ी निकल गई है, जाओ बात खत्म हो गई, आपकी गाड़ी निकल गई जगह बन गई, जाओ। वो चला गया गाड़ी पार लगाई, बाद में पता नहीं उसका भाई आया था, वो बाद में पता चला। उसने उसको पूछा हुआ क्या चक्कर हुआ, तो उसने कहा कि ये लड़का ऐसे ऐसे कर रहा है बदतमीजी ये वो। तो इतने में वो बंदा आता है, ये भाई ने मुझे बात बताई थी, उसने भाई को ऐसे पकड़ा और थप्पड़ वप्पड़ मार दिए कि तू हमारे मोहल्ले में गुंडागर्दी कर रहा है। वो बोला मैंने सर मैंने क्या किया, मैं तो जगह बना के नहीं, वो चले गए। तो आपको क्या लगता है कि उसके चलते इन्होंने ये सब, क्योंकि ये पुलिस वाले ने उस टाइम भी हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं किया था, उन्होंने इनको पैसे वैसे खिला दिए। तब SHO थे कोई विशाल शूल नाम था उनका, अब राकेश शर्मा, तो मुझे नहीं पता चेंज हो गया, अब पता चला जिस दिन हमारा चलान हुआ। तो वो हम SSP के साथ, हमने उसके बाद SSP साहब के पास जाने की बड़ी कोशिश की, हमारा कोई फ्रेंड थे पुलिस में उनसे हमने बोल के, वो कह रहे थे आजकल आज शायद वो अपने किसी में फंसे। तो मैंने सुना कि ऐसे मिल नहीं सकते SSP साहब से, पहले लेटर देनी पड़ती है पता नहीं क्या क्या, तो इतना खर्चा हम सर उठा नहीं सकते। तो कोर्ट में भी बात की थी एक वकील से, वो भी कह रहे थे 5,000-10,000 लग जाएगा आपका, फिर ऐसे होगा चक्कर वक्कर। तो हमने इसलिए वो थोड़ा डिले हो गया, वरना हम छोड़ने तो उनको भी छोड़ने वाले नहीं है। वो बदला उसके बाद सर मेरे को भी मारा था। फिर जब पुलिस वालों ने भाई को बोला था कि जा उनके गाड़ी का और उनके घर का एड्रेस पता करके आ, ये जो काम पुलिस वालों का सर, मेरे भाई को भेजा, भाई को मैं मिल गया था बाहर कोइंसिडेंसली। फिर हम दोनों भाई गए, मैंने अपना बैग ज़ोमैटो वाला उसके ऑटो में रखा, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था, उसने भी खाया था। फिर हम गए उनके घर पता करने, जब हम पता कर रहे थे गाड़ी की, हमने फोटो वोटो खींची, तो एक लेडी बैठी हुई थी कोई वहाँ पे ओल्ड, हमने उनसे पूछा कि आंटी ये जिनकी गाड़ी है इनका घर कहाँ है। तो बाद में पता चला वो उनकी ही मम्मी थी जिनके वो दोनों भाई थे। तो उन्होंने बोला वो तो अंदर है, तो अंदर गया तो इतने में उनकी पत्नी वाइफ थी या भाभी थी वो बाहर आ गई। तो भाई बात ही कर रहा था, इतने में मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, मुझे लगा था कि यहाँ कोई गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि हम उनसे बात करने तो गए थे, हम घर का पता करने गए थे। घर का पता करते करते जो कार्य पुलिस को करना चाहिए था वो आपको करना, हाँ हमको बोला था उन्होंने करने, ये पिछला मामला। तो बस इतने में वो बंदा भी बाहर आ गया जो अंदर था, जिसने भाई को मारा था वो आ गया। तो उसके बाद की मेरे पास सारी वीडियो पड़ी हुई है, वो अभी तक मैंने वायरल नहीं किया है, क्योंकि मेरे को कुछ होता ना अपने जो पेरेंट्स हैं भाई हैं जो लोग होते हैं आसपास के, वो बोलते हैं कि नहीं ले पंगा, हम लड़ नहीं पाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, मत डालना वीडियो अभी, रुक जा। तो वो उसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं डाली थी। तो वो ना लटकता लटकता उसके बाद उस बंदे ने ना बाद में हमने वीडियो बनाई है मैंने सारी, जहाँ तक उसने मारना स्टार्ट किया, मेरा कैमरा बंद किया, वहाँ तक की वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है सारी। तो ये उसका एक दो दोस्त भी आया बाद में, तो मेरा भाई पूरा बता रहा था कि मेरी कोई गलती नहीं थी, बस यही इसके, इसके बाद भी इंसाफ नहीं। हाँ सर मेरा नाक तोड़ दिया था सर, अभी तक हड्डी टूटी हुई है, एक्सरे भी दिया था SHO को, महीने तक उसने कोई हमारी FIR नहीं की, 15 दिन तक हम चक्कर लगाते रहे, MLC करवाई दी थी उसी दिन, आधे घंटे के अंदर मैंने MLC करवा दी थी, खूनों खून हुआ था, मैंने फोटो भी खींची थी, पूरा ब्लीडिंग हुई थी मेरे को। तो उसने भी MLC के बाद FIR नहीं की, जहाँ तक मैंने सुना, कोर्ट से भी पता किया, इतना मेरे को नॉलेज पेश किया, पहले उसके भाई को किया जिसकी गाड़ी थी भी, जिसने मारा उसको किया नहीं पेश, फिर 2-3 दिन बाद उसको पेश किया। नेट यार पूरा पड़ा हुआ है फुल।